हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, आज मैंने बेल्ट में जेब लगाना बताऊंगी। उसके लिए मैंने पहले से ऑलरेडी बेल्ट को तैयार किया हुआ है। तो देखिए, मैंने डोरी के लिए मैंने जो फोल्डेड है उसी पर सिलाई अटैच नहीं किया है, क्योंकि मैंने जेब लगाकर फोल्डेड पर सिलाई करूँगी। उसके लिए मैंने 5.5 इंच साइड में जेब लगाऊंगी, 2.5 इंच मैंने ऊपर से मार्जिन लिया है और नीचे से भी मैंने 2.5 इंच ही मार्जिन लिया है। 5 इंच हमें जेब के लिए ऑलरेडी खुले रखना है। तो चलिए, हम दोनों तरफ से सिलाई अटैच कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने दोनों तरफ से सिलाई अटैच कर लिया है। तो देखिए, मैंने जेब के लिए कपड़ा लिया है, उसका लंबाई मैंने 16 इंच रखी हूँ। और चौड़ाई 5.5 इंच, क्योंकि मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी ताकि जो मेरा सिलाई में चला जाए। तो चलिए, मैंने जेब में सीधे साइड से ही अटैच करेंगे। ये ध्यान देना है फ्रेंड, हमेशा सीधे साइड से ही अटैच करें। वैसे ही दूसरी साइड में भी सिलाई अटैच कर लेना है। जेब को उल्टे की तरफ कर लेना है। तो देखिए, मैंने उल्टे साइड कर लिया है, उस पर मैंने एक सिलाई और अटैच करूंगी। वैसे ही दूसरे साइड भी सिलाई को अटैच करना है। वैसे ही दूसरा साइड भी सिलाई को अटैच कर लेनी है। तो देखिए, मेरा सिलाई दोनों तरफ से अटैच हो चुका है।
तो देखिए कितना ही अच्छा से मेरा जेब बन के तैयार हो गया फ्रेंड्स। तो चलिए मैंने जो डोरी वाला कपड़ा उसे भी मैं फोल्डेड करके एक सिलाई अटैच कर लेती हूँ। तो देखिए मेरा पॉकेट बन के तैयार हो गया फ्रेंड्स। यदि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।